नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज के सुर्खियों की। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मंडल प्रवास कार्यक्रम में की शिरकत, जमशेदपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं संग किया सीधा संवाद। जुबली पार्क में बाइक में असगर सांप के साथ खिलवाड़ करते दिखाई दिए युवक, सेल्फी लेने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। जमशेदपुर में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित, डीसी एसएसपी रहे मौजूद। और सरायकेला के बड़ा बम्बों में शराबबंदी को लेकर ग्रामीणों ने निकाली रैली, शराब व्यापारियों को दिया अल्टीमेटम। खबरें विस्तार से और खबर में बात करेंगे सबसे पहले मुख्यमंत्री रघुवर दास के जमशेदपुर दौरे की। आपको बता दें, मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जमशेदपुर प्रवास के दूसरे दिन विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। इसी क्रम में उन्होंने जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा में मंडल स्तरीय प्रवास कार्यक्रम के जरिए कार्यकर्ताओं संग बैठक कर सीधा संवाद किया और चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए टिप्स दिए। शुक्रवार सुबह में उन्होंने जमशेदपुर के गोलमोरी में मंडल प्रवास बैठक की। इससे पूर्व उन्होंने टीन प्लेट काली मंदिर में पूजा अर्चना की और राज्य की खुशहाली एवं समृद्धि की कामना की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यकर्ता साथी भारतीय जनता पार्टी की असली ताकत है, हमें मिलकर न्यू झारखंड के निर्माण में यूं ही प्रयासरत रहना है। मुख्यमंत्री ने साक्षी में गोविंद भवन गुरुद्वारा के समीप भी मंडल प्रवास की बैठक की। वे साक्षी गुरुद्वारा भी गए और मत्था टेका। मुख्यमंत्री ने बिरसानगर के गुड़िया मैदान टेलको गुरुद्वारा भवन में भी बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री अपने पुराने मित्र विष्णु केवड़ा से मुलाकात करने पहुंचे। वैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जगदीश प्रसाद भी बीमार चल रहे हैं और इनका भी इलाज टीएमएच में चल रहा है। वहीं मुख्यमंत्री इन दोनों लोगों से मुलाकात करने के बाद गोविंदपुर पहुंचे। आज के युवा अपने साथियों के बीच सोशल मीडिया में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, फिर चाहे वो बाइक से स्टंट करना हो या अलग तरीके से फोटोग्राफी करवाना। ऐसे में आमजन को परेशानियां उठानी पड़ती हैं। ऐसा ही कुछ नजारा शहर के पॉश इलाके साक्षी क्षेत्र में दिखाई दिया। लोग तब सहम उठे जब एक बाइक पर सवार तीन युवक एक अजगर सांप को गले में डालकर लहराते हुए सड़कों के बीचों बीच तेज गति से बाइक चलाते दिखाई दिए। तीनों युवक जुबली पार्क की सड़क से होते हुए कोऑपरेटिव कॉलेज जा पहुंचे और सांप के साथ अटखेलिया करते हुए सड़क से गुजर रहे लोगों से बाइक रोक रोक कर सांप के साथ सेल्फी लेने का आग्रह करते रहे। वहीं सेल्फी का रेट भी इसके लिए तय था, मात्र 50 रुपये लेकर सभी सांप के साथ सेल्फी भी खिंचवा रहे थे। इधर जब उन्हें कुछ फोटो लेने वाले में कुछ मीडिया के लोग भी शामिल होने का पता चला तो तीनों बाइक लेकर कोऑपरेटिव कॉलेज वाले रोड होते हुए चलते। नाला से इसको पकड़े हैं, इसका एक तो बड़ा भी है, उसको हम लोग छोड़ दिए हैं क्योंकि इसको हम लोग पकड़े हैं और बस इसको हम लोग ले जा रहे हैं, देख घुमा रहे बस ऐसी करके इसको हम लोग वहीं पर छोड़ देंगे। इसको हम लोग घुमा रहे हैं, बस ऐसी घुमा रहे, बस ये कर रहे हैं। आज हम लोग विसर्जन है गणेश पूजा, बस ऐसी हम लोग घुमा रहे हैं, बस घुमा के हम लोग ये कर देंगे और कुछ ये नहीं है। तो बस शॉकिंग के लिए बस सिर्फ फोटो खिंचा रहा, बस और कुछ नहीं है। सिर्फ फोटो खाली अच्छी लगती है, फोटो खाली खिंचा रहा बस। छोड़ेंगे ना इसका मुँह, छोड़ेंगे ना तो ना मेरे को छोड़ेगा ना आपको छोड़ेगा। खतरनाक है, खतरनाक है। बोले तो रोड में छोड़ दे रहे, आप देख लीजिएगा, आप खुद गाड़ी छोड़ के भागिएगा। अभी तीन लड़के बाइक में कॉलेज आए, उसमें बड़ा सा सांप लेके घूम रहे थे, उसमें 50 रुपया सबसे सेल्फी लेने के लिए ही जा रहे थे और बहुत जहरीला सांप है दिखने में लग रहे थे, जो कि वो लोग पूरे गलत कर रहे हैं। मैंने उन लोग से सवाल किए कि क्यों लेके घूम रहे, तो वो लोग ने बाइक लेके चले गए। क्या लगता है कि इसमें किसी को भी मान लिया काटेगा तो उसमें बहुत सारे क्षति हो सकते हैं, उसका जान भी जा सकती है। और उससे जब सवाल किए तो मैंने उससे पूछा कि आपने क्या कॉलेज में छोड़ने आए, बोले नहीं नहीं करते करते वो लोग भाग गए। पशु कृत्य अधिनियम के तहत जो ये है इसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, जो कि ये इसमें जहरीला सांप है तो इसमें आदमी को
दस देगा तो इसमें किसी का जान जा सकती है, तो इसके लिए जिला प्रशासन को इसमें कड़ी कदम उठाने चाहिए। जमशेदपुर के बिष्टपुर स्थित माइकल जॉन प्रेक्षागृह में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक डीसी सह जिला स्तरीय शांति समिति के अध्यक्ष रविशंकर शुक्ला की अध्यक्षता में हुई, जिसमें एसएसपी, सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी, प्रशासनिक पुलिस पदाधिकारी एवं शांति समिति के सदस्य मौजूद थे। बैठक में एसएसपी ने कहा, मुहर्रम शांतिपूर्ण संपन्न कराने के सभी सुरक्षात्मक उपाय किए गए हैं। उन्होंने कहा, मुहर्रम शांतिपूर्ण संपन्न कराना खलीफा का दायित्व है, प्रशासन की भूमिका सहायता करने की रहती है। उन्होंने कहा, युवा वर्ग की भागीदारी महत्वपूर्ण रहता है, इसलिए इस वर्ग को शामिल करना चाहिए। वहीं डीसी रविशंकर शुक्ला ने कहा, साफ सफाई और पानी की व्यवस्था रहेगी। उन्होंने शांति समिति युवा वर्ग की भागीदारी रहने पर बल दिया, ताकि युवा वर्ग का सहयोग मिलता रहे। एसएसपी अनुबीर थरे ने मॉब लिंचिंग की अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील आम लोगों से की है। 24 घंटा से ज्यादा हाजत में नहीं रख सकते, उसको चालान कर देना, ये प्रोटोकॉल। लेकिन इस तरह का यदि म्यूजिक में भी मतलब यदि रखा जाए तो सब लोगों को जानकारी होगा कि मतलब कि जो आपका कितने समय तक में मतलब इसको बंद कर देंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि अब जो त्योहारों की पूरी लंबी सीरीज शुरू हो रही है, गणेश चतुर्थी से जो शुरू होती है, गणेश पूजा चली रही है, फिर मुहर्रम का हमारा जो है ये जो जुलूस है वो निकलेंगे हजरत इमाम हुसैन और हसन साहब की शहादत की जो याद में जो जुलूस निकलते हैं। तो लास्ट ईयर भी हम लोग मनाए थे और जुलूस बहुत शांतिपूर्ण तरीके से निकले थे। अभी उसके बाद दुर्गा पूजा और लंबी फहरिस्त शुरू होगी त्योहारों की, तो उसमें आप लोगों का रोल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आप लोग फिर से जो है अपने क्षेत्र में पूरी तरह से एक्टिव हो जाइए, जो मोहल्ले जो गलियाँ जिन क्षेत्रों में आपका प्रभाव है वहाँ पर मीटिंग करिए। खासतौर पर जो हमेशा हम लोग बात कहते हैं कि जो युवा वर्ग है, जो टारगेट ग्रुप है हमारा, जो 13-14 साल से लेकर के और 25-26 साल के युवक हैं, उनके साथ में मीटिंग करना जरूरी है। बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग ये देखें कि क्या रूपरेखा और क्या भूमिका हम लोग आगे केंद्रीय शांति समिति की देखते हैं, और साथ ही साथ जो आपके माध्यम से बैठकों में सवाल या समस्याएं उठाई जाती हैं, दो तरह की होती हैं जो भी सवाल या समस्या है, एक जो आम जन समस्या है उससे संबंधित और दूसरा जो पर्व त्यौहार जिसका आयोजन हो रहा है उससे संबंधित। तो हम लोग दोनों के लिए एक रूपरेखा निर्धारित करें, वो हमारी प्रायोरिटी पर होंगे। हम कोशिश करेंगे कि उसको 9 तारीख के पहले हम लोग उसको रिजॉल्व करें। इसके अलावा कुछ ऐसे भी इश्यूज़ हैं जो कि लॉन्ग टर्म के इश्यूज़ हैं, जो जन समस्याओं से संबंधित हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको आने वाले 15 दिन महीने भर के भीतर, ताकि कम से कम अगली जो केंद्रीय शांति समिति की बैठक हो उसके पहले हम इस स्थिति में रहें कि आपको बता सकें कि आप जिस प्रकार से जिला प्रशासन को अपनी तरफ से सहयोग करते हैं तो आपकी बातों का भी वही महत्व है, और हम लोग उस पर अपनी तरफ से जो भी संभव कार्रवाई हो सके जरूर करेंगे। उधर सरायकेला जिले के बड़ा बाम्बो में शुक्रवार को शराबबंदी की मांग को लेकर पंचायती राज के जनप्रतिनिधि, महिला पुरुष सड़क पर उतरकर आंदोलन किया। साथ ही शराब की भट्टी के मालिक और शराब विक्रेता से मिलकर शराब नहीं बनाने और शराब नहीं बेचने का अल्टीमेटम दिया। शराबबंदी को लेकर शुक्रवार को सुबह बड़ा बाम्बो के गणेश चबूतरा में विभिन्न महिला समिति के सदस्य, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, ग्रामीण पुरुष महिलाओं ने एकजुट होकर सबसे पहले बैठक किया, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शराब बेचते और बनाते हुए पकड़े जाने पर ग्राम सभा के द्वारा 30,000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। साथ ही ग्रामीणों के द्वारा खरसवा थाना में शराब बेचने और बनाने वाले आरोपी के खिलाफ थाना में FIR दर्ज कराए जाने का निर्णय लिया गया। वहीं सरकार और प्रशासन से शराब पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई। ग्रामीण जब शराब भट्टे स्थल पहुंचे तो शराब बनाने वाले भाग निकले। आदमी को दिमाग की तरह चाट रहा है, जिससे हम ग्रामीण जनताओं को दारू के चलते माताएं बहनें और छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को भी असर पड़ रहा है, जिसके तहत दारू बंद करने का निर्णय सभी ग्रामीण ने आज इस मंच से आह्वान करते हैं कि दारू सख्त से सख्त बंद हो जाना चाहिए। और इससे मैं अभियान चलाकर दारू बंद करने के लिए पूरे पंचायत में अभियान चला था वर्ष 2000 से 2015 के बीच में। उस समय में बहुत सारे मारपीट हुई जिससे दारू बंद नहीं हो पाया। अभी महिला बहनों ने पूरा एकत्रित होकर पूरा संयम रखते हुए दारू बंद करने का निर्णय लिया गया है।
इधर सरायकेला के कुकड़ू प्रखंड सभागार में शुक्रवार को सहकारिता विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के विचार विमर्श को लेकर एक समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जिसमें कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र के मुखिया, वार्ड सदस्य, लैंपस सचिव, सखी मंडल के सचिव आदि लोग उपस्थित थे। इस बैठक में मुख्य रूप से भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सह सहयोग समितियां झारखंड रांची के रजिस्ट्रार सुचित्रा सिन्हा उपस्थित थी। समीक्षा बैठक में मुख्य रूप से लैंपस को पुनर्जीवित करने, मछली पालन को बढ़ावा देने, प्रखंड क्षेत्र के प्रत्येक बीसी को माइक्रो एटीएम उपलब्ध कराने, समय पर किसानों को बीज उपलब्ध कराने, लैंपस में लोगों का डूबे हुए रुपया को वापस कराने आदि विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। वहीं विभाग के रजिस्ट्रार सुचित्रा सिन्हा ने उपस्थित लोगों को जानकारी देते हुए कहा कि जिन किसानों ने सत्र 2018-2019 में फसल बीमा करवाया था, उन किसानों को डीबीटी के माध्यम से बैंक से फसल बीमा का भुगतान किया जाएगा, जिसके लिए कुकड़ू प्रखंड को सरकार द्वारा 1,40,00,000 रुपए उपलब्ध कराया गया है। सहकारिता विभाग का उद्देश्य है कि लैंप्स को पुनर्जीवित करना। ये प्राय देखा जा रहा है कि इलाके में लैंप्स पैक मिल प्राय हो चुके हैं, उनका ये लोग सहकारिता विभाग का ऋण होता है, और इसको अगर हम पुनर्जीवित करते हैं तो किसानों का जो भी उससे सदस्य जुड़े हुए हैं उनका बहुत आर्थिक उत्थान किया जा सकता है। और इस बार हम लोग आए हैं कि चांडिल में बैंक है और सुदूर इलाके में बैंकिंग की सुविधा नहीं है, उससे इनको माइक्रो एटीएम दिया जा रहा है कि ये सेल्फ डिपेंडेंट रहें, इनको छोटे छोटे कामों के लिए उतने अपना समय बात करके और पैसे के ला करके दूर जाना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा डैम्स और वहीं 10वां संथाली एवं क्षेत्रीय महोत्सव का पुरस्कार वितरण समारोह आयोजन इस बार जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित जी टाउन मैदान में 14 सितंबर को आयोजित होने जा रहा है। इसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। 7 सितंबर से सुनारी स्थित टीसीएस में जूरी स्क्रीनिंग होगी। वहीं 8 सितंबर को महोत्सव का उद्घाटन माइकल जॉन्स सभागार में होगा। इस अवसर पर मंत्री अमर बावरी, सांसद विद्युत वरण महतो, विधायक लक्ष्मण टूडू मौजूद रहेंगे। इसके साथ आगामी 9 से 12 सितंबर तक विभिन्न फिल्मों को प्रदर्शित किया जाएगा। वैसे उक्त कार्यक्रम बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में आयोजित होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश झारखंड सिने अवार्ड समारोह जी टाउन मैदान में संध्या 5 बजे होगा। ऑल इंडिया सांथाली फिल्म एसोसिएशन के द्वारा आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में पारंपरिक नृत्य संगीत के साथ संथाली फिल्मों से जुड़े कलाकार, निर्देशक, म्यूजिक डायरेक्टर के साथ अन्य लोग शामिल होंगे। इसे क्या था, तुरंत भेज देते हैं, कैमरा से जाइए, ऑफिस जाइए, काटिए मोबाइल से, व्हाट्सएप से। ऑल इंडिया संथाली फिल्म एसोसिएशन का ये 10वां फिल्म उत्सव की सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। कल से इसका जूरी स्क्रीनिंग ट्राइबल कल्चर सेंटर सोनारी में की जाएगी, जिसमें जीरेन टोपनो जी मुख्य अतिथि रहेंगे टाटा स्टील के। परसों अमर बावरी जी के हाथों माइकल जॉन सभागार में इस फिल्म महोत्सव का उद्घाटन होगा, जहां पर माननीय सांसद विद्युत वरण महतो और माननीय विधायक लक्ष्मण टूडू जी भी आमंत्रित हैं। कार्यक्रम में थोड़ी फेरबदल की गई है। समापन समारोह का कार्यक्रम जो रीगल गोपाल मैदान में होना था, वो अब जी टाउन बिष्टुपुर मैदान में किया जाएगा। भारत सरकार का जनजातीय मंत्रालय की ओर से गोपाल मैदान में कार्यक्रम प्रस्तावित होने की वजह से जिला प्रशासन के साथ वार्ता कर और जिला प्रशासन ने आश्वस्त किया कि जी टाउन मैदान में भी किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। इधर जमशेदपुर के मनीफिट में पड़ोसी ने त्रिलोक गुप्ता और उसकी पत्नी सुमन गुप्ता को शिकायत वापस लेने के लिए पिटाई कर दी। मामले के संबंध में सुमन गुप्ता ने बताया, पिछले 30 अगस्त को दिन में उसके घर में आग लगी थी। शंका के आधार पर पड़ोसी के खिलाफ उन्होंने टेलको थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। शुक्रवार को पड़ोसी ने शिकायत वापस लेने के लिए उसे और उसके पति त्रिलोकी गुप्ता की बेरहमी से पिटाई की। जो घर में उसका घर में देखिएगा, हथियार भी होगा,
आज क्या हुआ था? आज क्या हुआ, मेरा बच्चा को लेके लेट नहीं गया, मेरा बच्चा घर में था, बोला झूठ बोला। जो शुक्रवार तीज के पहले जो शुक्रवार था हम गांव गए हुए थे। आज शुक्रवार, आज एक हफ्ता हो गया। हाँ, एक हफ्ता हो गया। आज क्या हुआ, आग लगा था तो क्या हुआ था? आग लगा, हम लोग केस दर्ज किए। कौन थाना? टेलको थाना में। कितना बजे लगा था? 11 बजे आग लगा था। रात में? जब सुबह में। हाँ, आग जब लगा तो हम लोग घर में नहीं थे, हम गांव गए हुए थे बच्चा लोग के लेके, मेरा आदमी काम में गया था। क्या लग रहा था? कोई लगा दिया? मेरा दुश्मनी दो तीन जन से था। अच्छा। मेरा घर पहले मेरा एक हफ्ता आए हुए हमको मंडल बस्ती में हुआ था, तो मेरा बच्चा का कमर से चांदी का पहना था और टान ली, मेरे से दिन में 50 रुपये मांगी, हम रेणु देवी को नहीं दिए। उसके बाद शाम को मेरा बच्चा का कमर से, फिर मेरा घर में घुस के चोरी कौन किया, उसके बाद हम कोई केस दर्ज नहीं किए। आग लगा कितना तारीख को? उसी दिन किए, शुक्रवार को ही किए। किसके नाम से? रेणु देवी, बिट्टू, कृष्णा यादव और श्याम नारायण प्रसाद। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। युवा कर्मठ और जुझारू नेता शंभु चौधरी आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जनता की आवाज बनकर उनको हक दिलाना, गरीब और जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले शंभू चौधरी को लोग भविष्य का प्रतिनिधि के तौर पर देखते हैं। मानगो नगर निगम घोषित करने को लेकर शंभू चौधरी ने जोरदार आंदोलन की शुरुआत की थी, साथ ही मानगो की अंचल बनाने में भी उनकी अहम भूमिका रही। उतना ही नहीं, सैकड़ों गरीबों को पेंशन और स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने में शंभू चौधरी ने दिन रात मेहनत की। गरीब गुरुओं की सेवा के लिए हरदम तत्पर रहने वाले इस युवा और हर दिल अजीज नेता के लिए हर राजनीतिक दलों के दरवाजे खुले हैं, पर इन्होंने आम आदमी पार्टी को अपनाया। मानगो क्षेत्र की जनता के लिए लगातार संघर्ष करने वाले शंभू चौधरी ने अपना अलग मुकाम बनाया है और क्षेत्र की जनता को उन पर अटूट विश्वास है। फिलहाल मानगो में नगर निगम चुनाव कराने की मांग को लेकर शंभू चौधरी आंदोलनरत है। बहरहाल हर दिल अजीज और जनता के लिए हर वक्त उपलब्ध रहने वाले ऐसे जुझारू युवा नेता की जरूरत लोगों को है, जो उनकी आवाज बनकर उचित फोरम में उठा सके और लोगों को न्याय दिला सके। मानगो क्षेत्र की जनता को शंभू चौधरी से काफी उम्मीदें हैं और शंभू चौधरी में इन उम्मीदों पर खरा उतरने का जज्बा भी है। ब्रेक के बाद में प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। जमशेदपुर में जेवीएम युवा मोर्चा ने झूठी प्राथमिकी दर्ज करने के खिलाफ गोलमोरी थाना पर प्रदर्शन किया। इधर मामले के संबंध में जेवीएम युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष सुमित श्रीवास्तव ने बताया, 4 सितंबर को गोलमोरी काराबासा में विसर्जन के दौरान दो पूजा कमेटी के बीच मारपीट हो गई। सत्ता पक्ष के नेताओं के दबाव में पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ गोलमोरी थाना में शिकायत दर्ज की गई है, जबकि सीसीटीवी कैमरा में जेवीएम का एक भी कार्यकर्ता की तस्वीर नहीं है। उन्होंने कहा, 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है, वरना झूठी शिकायत के खिलाफ बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। गोलमोरी थाना के द्वारा FIR दर्ज होता है मारपीट का, और पूरी घटना का सबसे हास्यास्पद प्रकरण ये है कि जहां पर घटना हुई है, घटना स्थल पर CCTV कैमरा लगा हुआ है और कैमरे में पूरी घटना छिपी हुई है। कोई भी हमारे पार्टी के जितने भी लोगों पर FIR दर्ज हुआ है, किसी भी व्यक्ति का वहां पर उस CCTV कैमरा में कोई पिक्चर नहीं है, FIR दर्ज किया गया है। आज हम लोगों ने थाना प्रभारी महोदय से हम लोगों ने लिखित मेमोरेंडम दिया है और 72 घंटा का हम लोग अल्टीमेटम उनको दिए हैं कि थाना प्रभारी जी, प्रशासन होता है निष्पक्ष, आप पूरी मामला का निष्पक्षता हुआ जांच करते हुए और सारे निर्दोष लोगों को, मोहित गुप्ता, रोहित गुप्ता, जितने भी निर्दोष लोग हैं, सबको अविलंब आप सुपरविजन करके उनका नाम इस केस से हटाएं। साथ ही टाटा मोटर्स जमशेदपुर के रिटायर्ड इंजीनियर BL सिन्हा ने मानगो सेंट्रल बैंक की शाखा प्रबंधन पर उनके साथ धोखाधड़ी करने का गंभीर आरोप लगाया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए BL सिन्हा ने बताया, उन्होंने घर खरीदने के लिए मानगो सेंट्रल बैंक से
42 लाख रुपए ऋण 2016 में लिया था। ब्याज सहित 48 लाख रुपए किश्वतवार उन्होंने चुकता कर दिया, परंतु बैंक की तत्कालीन शाखा प्रबंधक अंशु झा ने 42 लाख रुपए की जगह 60 लाख रुपए का किश्तवार जमा करने का उनके साथ षड्यंत्र रचा। सिन्हा के अनुसार इस संबंध में उन्होंने RBI गवर्नर तक पत्राचार किया, परंतु कहीं से कोई जवाब नहीं मिला। अंतोगत्वा स्थानीय CGM इजलास में सेंट्रल बैंक की पूर्व शाखा प्रबंधक समिति 3 लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले की शिकायत दर्ज कराई है। बाद में दूसरे ब्रांच मैनेजर आया, उसके साथ ट्रांसफर होकर चले गए। दूसरे ब्रांच मैनेजर आया तो हमको बोले कि हमको समझने दीजिए। थोड़े दिन के बाद इस तरह करीब 6 महीना निकल गया मार्च 2016 से। उसके बाद मिडिल सितंबर में हमको डिफरेंट डेट और डिफरेंट इंस्टॉलमेंट में 42 लाख रुपया उन्होंने दिया हमको, लेकिन हम पर इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है 60 लाख रुपया का, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लास्ट में फिर RBI को भी लिखा, RBI ने भी हमको नेगेटिव रिप्लाई दिया कि बैंक कहता है कि आपको 60 लाख रुपया दिया गया है, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो न्यायालय में जाकर जाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। हमने आरोप लगाया है उनको कि मेरे साथ सेंट्रल बैंक अंशु झा और CP सिंह और मूल रीजनल मैनेजर तीनों मिलकर हम सब धोखाधड़ी के हैं, जबरदस्त ठगी के हैं। और सरायकेला जिले के राजनगर प्रखंड के 4 पंचायतों के मुखिया कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा जिला अध्यक्ष छोटे राय किस्कू के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त से मिला और ईशा डैम से प्रभावित क्षेत्र में 14वें वित्तीय आयोग के तहत कार्य शुरू करने को लेकर ज्ञापन सौंपा। राजनगर प्रखंड के कूजू हेरमा कटंगा बांदू क्षेत्र के लोग ईचा डैम से प्रभावित हैं। यहां 2010 से ही वहां विकास की योजनाबद्ध है, जिस कारण यहां लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है। इस क्षेत्र में मुखिया निधि के 14वें वित्तीय आयोग पर जिला ग्रामीण विकास अधिकरण द्वारा आदेश निर्गत कर रोक लगाया गया है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि जब इस प्रभावित क्षेत्र में विधायक निधि एवं सांसद निधि से कार्य हो रहा है तो मुखिया निधि पर रोक क्यों। इधर इस मामले को लेकर आज सांसद गीता कोड़ा एवं मुखिया के प्रतिनिधि ने उपायुक्त ए डोडे से मुलाकात की। वहीं उपायुक्त ने आश्वासन दिया कि इस दूर क्षेत्र में विकास कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। जैसे कि चंडिल का साथ अटैच किया, चंडिल डैम का साथ वो लेटर टू निकाल दिया, चंडिल एवं कुजू डैम चंडिल एवं ईचा डैम किया है। तो जैसे चंडिल में तो डैम बन गया, वहाँ तो काम नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पर तो हम लोग के यहाँ सब कुछ हो रहा है, लेकिन बोट भी हो रहा है, स्कूल है, आंगनबाड़ी है, सब कुछ है, तो विकास का काम क्यों नहीं हो रहा है, होना चाहिए। हम लोग का कुजू पंचायत में ईचा हुआ, बलीडीम वहाँ हेरमा पंचायत कुजू पंचायत हेरमा पंचायत और जनबोनी पंचायत और पोटका पंचायत में होना चाहिए। वहाँ जीवन जपन हो रहा है, बहुत दिन से आदमी जी रहा है रह रहा है, लेकिन सबको ये डूब क्षेत्र बोलता है, पानी तो थोड़ा भी नहीं है, एक बूंद भी नहीं है, बिना पानी में डूबा दिया है। लोगों ने मुलाकात की, जो सरायकेला क्षेत्र में मेरे संसदीय क्षेत्र में कुछ समस्याएं थी उसी से हमने DC साहब को अवगत कराया, जिसमें मुख्य रूप से हमारे त्रिस्तरीय पंचायत के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं सबसे प्रमुख उन्हीं की समस्याएं थी कि उन्हें डूब क्षेत्र, क्योंकि हमारे इस राजनगर इलाके में 4 पंचायतों को डूब क्षेत्र घोषित करके वहाँ जो सरकारी काम है जैसे शौचालय है, इंद्रावास है, ये सब काम वहाँ फोर्टिंग फाइनेंस के काम है, ये सभी मुखिया के द्वारा जो काम हो रहे थे, जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो काम हो रहे थे, उस पर रोक लगाई गई थी। उसी से संबंधित हमने DC साहब को जानकारी दी कि अन्य जिलों में जो डूब क्षेत्र है वहाँ कार्य हो रहे हैं, लेकिन सरायकेला में ही किन परिस्थितियों में यहाँ रोका गया है, वही हम लोगों ने उनके नॉलेज में दिया है। और DC साहब ने काफ़ी गंभीरता से इसको लेते हुए आश्वस्त किया है कि इसका समाधान हम लोग जल्द ही करेंगे। उधर भाजपा सरायकेला खरसवा की एक महत्वपूर्ण बैठक एक होटल में संपन्न हुई। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद समीर उराव एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में आदित्यपुर नगर निगम के महापौर विनोद श्रीवास्तव उपस्थित थे। इस बैठक में सदस्यता अभियान को लेकर समीक्षा की गई और विधानसभा चुनाव में भाजपा 65+ के अधिक सीटों के साथ कैसे आगे बढ़े उस पर विचार विमर्श किया गया। इस संबंध में समीर उराव ने बताया कि भाजपा के बूथ जीतो चुनाव जीतो अभियान के तहत प्रखंड अध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक रखा गया था। उन्होंने कहा कि 9 सितंबर के बाद जब तक चुनाव की घोषणा नहीं हो जाती है तब तक भाजपा पूरे झारखंड में कई कार्यक्रम चलाएगी तथा केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को लेकर घर घर जाएगी।
इसको पहुंचा करके सदस्यता करने का कार्य किए हैं, इसके लिए मैं पूरा धन्यवाद देता हूँ। माध्यम से आने वाला चुनाव में हम इस प्रकार से रचनात्मक संगठन का काम करेंगे कि हमारा प्रदेश का नेतृत्व मैंने केंद्रीय नेतृत्व को स्पष्ट रूप से एक संकल्प लेते हुए कहा कि अब की बार 65 पार, तो इस संकल्प को हम सब कार्यकर्ता मिल करके ठीक ढंग से सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए हम अपने क्षेत्र में, जिला में, प्रखंड में, पंचायत में, बूथ में हमारे संगठन को मजबूत करेंगे। इसीलिए आज यह बैठक था और हमारा जो इस बार संगठन पर्व चल रहा था, सदस्यता अभियान चल रहा था, यह लगभग सदस्यता अभियान समाप्ति की ओर, समापन की ओर है। तो हम कितना कर पाए हैं, कितना विस्तार कर पाए हैं, इसकी भी समीक्षा की गई और इस जिले से भी हम अच्छी संख्या में हम सदस्यता बनाए हैं और भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो हमारा साथ ही NH-33 पर पुराना विशाल मेगामार्ट के समीप गाय बछड़ों से लदे 3 वाहनों को जब्त कर लिया गया, वाहन चालकों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला गुरुवार रात का है। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के समर्थकों ने रांची से बंगाल की ओर 3 वाहनों में लदे लगभग 150 गाय और बछड़ों को पकड़कर ओलीडी थाने के हवाले कर दिया। वाहन चालकों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जब्त जानवरों को गौशाला भेज दिया गया। इधर बजरंग दल के जिला सह संयोजक AK गिरी ने बताया, जब्त जानवर रांची से पश्चिम बंगाल की ओर जा रहे थे, सूचना के आधार पर जानवरों को पकड़ा गया। सूचना मिली थी कि बंगाल गाड़ी जा रहा है, उसमें गाय लोड है, इसलिए हम लोग प्रशासन को सूचित करके PCR के माध्यम से 3 गाड़ी गाय पकड़े हैं, जिसमें करीब 150 के करीब है। हम लोग ओलीडी थाना प्रभारी को इसकी सूचना दिए हैं। थाना प्रभारी पूरा विधि व्यवस्था के साथ गाय को गौशाला भेज रहे हैं। कहाँ पे पकड़ाई है गाड़ी? ये पुराना वाला जो विशाल मेगा मार्ट NH-33 है ना, वहीं पे हम लोग विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और हिंदू संगठन के लोग पकड़े हैं। कहाँ से आ रहा था गाड़ी? ये तो सूचना नहीं है कहाँ से आ रहा है, लेकिन रांची रोड से आ रही थी, बंगाल जा रहे थे। तीनों गाड़ी में बंगाल नंबर है। पुराना विशाल मेगा मार्ट के NH-33 इसमें विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और हिंदू संगठन के लोग, सभी लोग का अहम भूमिका रहा है। हाँ, ड्राइवर पकड़ाया है। कितना ड्राइवर? तीनों गाड़ी का ड्राइवर है और कुछ लोग भाग गए हैं जो मतलब कि अंदर हैं। और वहीं जरूरतमंदों के लिए रक्त उपलब्ध करवाने के लिए काम कर रही जमशेदपुर की सामाजिक संस्था टीम संघर्ष लगातार लोगों को समय समय पर रक्त उपलब्ध करवा रही है। इस संस्था के पहल पर आज लोग रक्तदान करने के लिए काफी जागरूक हो चुके हैं और अब तो टीम संघर्ष से जुड़कर रक्तदान करने वाले लोगों की एक विशाल श्रृंखला से बन चुकी है। इसी क्रम में संस्था से जुड़े सदस्यों ने पिछले दिनों सिंगल डोनर प्लेटलेट्स डोनर कर 2 अहम जिंदगियां बचाई। इधर टीम संघर्ष परिवार ने जमशेदपुर ब्लड बैंक के सहयोग से झारखंड और बिहार में कीर्तिमान स्थापित करते हुए रक्तदान के मामले में रिकॉर्ड स्थापित किया है। इसके तहत पिछले 15 दिनों के अंदर 3000 यूनिट रक्त संग्रहित करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसे पूरा कर लिया गया है। परिवार ने यह संकल्प लिया था कि विगत 25 अगस्त से लेके 10 सितंबर तक 3000 यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया था और उसी के तहत फोटोग्राफर एसोसिएशन के तहत 24 अगस्त को 53 यूनिट झारखंड बिहार में इतिहास रचते हुए संस्था उद्गम के द्वारा 1302 यूनिट का विशाल रक्तदान कर झारखंड बिहार के इतिहास को ही बदल डाला था। और आज टीम संघर्ष परिवार ने लगभग 50 सिंगल डोनर प्लेटलेट यानी SDP के जरिए अपने रक्तदाताओं को तैयार किया और इसी के तहत आज हमारे जो ज्यादातर SDP डोनर है, मिस्टर कुमारे साजरा 8 बार उन्होंने अभी तक SDP डोनेशन कर चुके हैं, मिस्टर तन्मय रॉय 2 बार, ऐसे कई सारे डोनर टीम संघर्ष परिवार में से है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मंडल प्रवास कार्यक्रम में की शिरकत, जमशेदपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं संघ किया सीधा संवाद। जुबली पार्क में बाइक में अजगर सांप के साथ खिलवाड़ करते दिखाई दिए युवक, सेल्फी लेने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। जमशेदपुर में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित, DC SSP रहे मौजूद। और सरायकेला के बड़ा बम्बों में शराबबंदी को लेकर ग्रामीणों ने निकाली रैली, शराब व्यापारियों को दिया अल्टीमेटम।
और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।